हेलो एंड राम राम सभी को आपका स्वागत है आईना छिकारा व्लॉग्स में। तो आई होप आप लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। आप तो भाई अभी हम शाम को वॉकिंग करने के लिए आए थे और वॉकिंग करते करते ये देखो क्या मिल गया। ये है छोटा सा चिड़िया का बच्चा, है ना। इस बेचारे को ना अभी उड़ना नहीं आया अच्छे से, तो ये देव ने बिठा लिया है। इसको भी ट्रेनिंग देंगे हम। पर खुशकिस्मती हमारी ये है कि अब की बार ये स्वस्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बिठाया था वैसे तो अभी उस पे कनेर के पेड़ पे बिठाया था, लेकिन ये दोबारा से आके हाथ पे ही बैठ गया। इसको पता नहीं यही जो स्पेस है ना, इसको यही सेफ लगती है। हाँ जी। और अब ये सो गया है मेरे ख्याल से, बस ये सोने वाला है। तो भैया अभी हम आ गए हैं घर पे और उस छोटी सी चिड़िया को भी हम घर पे ले आए हैं। उसको कमरे में बिठाते ही वो तो उड़ने लगी। अब ये भी समझ में नहीं आया करेगा कि कहाँ कहाँ पे जाके बैठेगी। देखो अभी यहाँ पे ये देखो देख। इस बेचारी को रोटी खिला रहे थे, इसने रोटी नहीं खाई। बस ये बहुत मुश्किल से हाथ के ऊपर से उतरी है। हाथ के ऊपर से उतर के इसको गद्दी पे बिठाया और बस फिर तो ये उड़ना चालू हो गई है और ची ची कर रही है। पता नहीं इसको डर लग रहा है या क्या दिक्कत हो रही है, देखते हैं। अभी इसको कुछ खिलाएं पिलाएंगे और जब ये अच्छे से उड़ने लग जाएगी ना, मेरे को तो डर लग रहा है कभी ये मेरे ऊपर ना आके बैठ जाए। चलो ठीक है, इसको अभी देखते हैं और इसको जो जो इसकी हरकतें होंगी ना वो मैं कैप्चर करूंगी, ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो इसका हमने अभी घोंसले का अरेंजमेंट भी कर दिया है और ये ना बैठ नहीं रही, उड़ के मेरे पीछे पीछे आ रही है और मैं इससे दूर भाग रही हूँ। देखो इसका हमने अरेंजमेंट कर दिया है और इस बेचारी को आराम बैठ नहीं रही। बस भाई अब वो उड़ेगी, इससे ज्यादा मैं और नहीं दिखा सकती अब। तो भाई चिड़िया भी उड़ ली है, पूरे घर में उड़ ली है और जहाँ पे जैसे मैंने जिस कमरे में बिठाया था ना इसको, उस कमरे की जैसे मैंने लाइट बंद कर दी थी और बाहर पूरे घर की लाइट ऑन थी, तो ये बाहर आ गई थी लाइट में। तो अब मैंने सारे घर की लाइट बंद करके और वहीं पे ही उसी कमरे की लाइट ऑन कर दी और अब कर दिया है दरवाजा बंद, नहीं तो वो सारे घर में उड़ रही है। और मेरे को लगता है डर, देव गए अभी बाहर कुछ काम के लिए तो मैंने ऐसे ही बंद कर दिया अभी दरवाज़ा। अब देव आएंगे ना, जब पानी उसको पिला दिया था, रोटी उसने खाई नहीं और वो ना ची 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 करिए। देखो मैं सुनवाती हूँ, बस अब वो बंद होगी ची ची करना, अब वो सो जाएगी थोड़ी देर में। अब देव भी आ जाएंगे तो देव उसको संभाल लेंगे। वो मेरे ख्याल से ना ताज़ा रोटी खाएगी, उसके लिए बस अभी ताज़ा रोटी बनाऊंगी और फिर देखते हैं उसको खिला के। चलो अब 8 बज चुके हैं रात के, मैं भी खा लेती हूँ, अपना कर लेती हूँ काम। दूध वाले भैया आ गए हैं, दूध का बर्तन खाली करना है और इसको कैप्चर करेंगे अब पूरा जो भी इसकी हरकतें होंगी। वैसे तो यहाँ पे उड़ रही थी तब मैंने कैप्चर नहीं किया, पूरे घर में उड़ ली, सब कुछ देख लिया उसने। वो ना चीची कर रही है, मेरे को ना ऐसे लग रहा है शायद वो डर रही है। तो अभी मैंने दरवाज़ा कर दिया है बंद, अब वो आराम से अपने सो जाएगी अगर सोएगी तो, और नहीं तो थोड़ी देर में देव आएंगे ना, उसको ताज़ी रोटी खिला के देख लेंगे, उसके बाद फिर वो आराम से सो जाएगी। Thank you.